एकता सेवाभावी संस्था द्वारा प्रसिद्ध कलाकार सुनीता सिंह को सम्मानित किया गया। आइए चलते हैं इस सम्मान समारोह। इस कार्यक्रम में सांस्कृतिक मंत्री फौजिया खान तथा इसके अलावा अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष श्री नसीम सिद्दीकी भी उपस्थित थे। इस कार्यक्रम की चीफ गेस्ट थी मराठी कलाकार उषा। इसके अलावा एडवोकेट बारी सिद्दीकी और एक्स मिनिस्टर रामाराव वरकुटे भी इस अवसर पर वहां उपस्थित थे। आवाजापर्यंत खरं कुणाला पोचायचं होतं की आपल्या सर्वांची खरंच रजा मागतो आपल्याकडे। मी आपली जर परवानगी असेल तर अलग अलग क्षेत्रों में लोग अच्छा काम करते हैं, प्रशंसनीय काम करते हैं, कठिन काम करते हैं, जो चैलेंज वाले काम है वो करते हैं। फिर उसमें चाहे साहित्य के क्षेत्र से हो, के क्षेत्र से हो, शैक्षणिक क्षेत्र से हो या राजनीति के क्षेत्र में हो, धर्मों के क्षेत्र, ऐसे अलग अलग क्षेत्रों से रंगमंचावरती आमदार साहेब सर्व ज्येष्ठ श्रेष्ठ अशी कलाकार मंडळी साहित्यिक मंडळी प्रत्येक क्षेत्रातील मान्यवर व्यक्ती जमलेले आहेत। पहली बार मैं आई हूँ, आते समय मुझे बहुत लेट भी हुआ क्योंकि जानबूझ के नहीं था। मैं साकीनाका से शूटिंग से आई हूँ, इतना ट्रैफिक, वहाँ रिक्शा नहीं मिल रही थी, टैक्सी नहीं मिल रही थी, फिर रुक के मैं रिक्शा करके सायना के वो सब फालतू बातें हो जाने दो, इसलिए मुझे लेट हो गया। तो सब मुझे मालूम नहीं है यहाँ। ये लोगों ने मेरा सत्कार किया, वो लोगों को मुझे मेरे बारे में कुछ लगा होगा तभी उन्होंने बुलाया। अभी मैंने भाषण में सुना कि क्रीड़ा आई है, वो सब जगह से बुलाते लोग, उनका सत्कार करते, अच्छा लगा। ऐसे प्रोग्राम में आज पहली बार आप आए? नहीं, ऐसे प्रोग्राम में मतलब लास्ट वीक जो हुआ था राष्ट्रवादी कांग्रेस बचत गट होता है ना, उन्होंने भी मेरा सत्कार किया रविंद्र नाट्य मंदिर में। पत्रकार है प्रशांत गौतम, जिन्हें उप संपादक है प्रशांत गौतम औरंगाबाद से, त्यांची पत्रकारिता मधून काम चांगले केले, त्यांनाही आम्ही आज पुरस्कार देऊन सन्मानित केलेले। एवढंच म्हणायचं की भाई पुरस्कार देण्याचा हेतू आहे, हे पुरस्कार ज्या व्यक्तीला दिलेले आम्ही हा पुरस्कार
एक आमची समिती एकता सभी संस्थेची निवड समिती ते रामराव उडकते साहेब आणि गफ्फार मास्टर साहेब आणि टी पी मुंडे सर यांच्या नेतृत्वाखाली ते समिती नेमणूक केलेली आहे. ते समितीचे अध्यक्ष रमाकांत कुलकर्णीजी ज्येष्ठ पत्रकार आहे. ते सर्व समिती काम पाहत आहेत. आमचे मित्र म्हणजे आमचे संस्थाचे सर्व सर्व पदाधिकारी जे मेन मानले जातात, प्राध्यापक नरेंद्र कठारे जे समितीचे सचिव आहे आणि ॲडव्होकेट बारी सिद्दीकी. आज कोई करता नहीं. आप आशीर्वाद चाहिए क्योंकि मैं भी आपके पास आ रहा हूँ. सर पे हाथ रखिए प्लीज, ताकि नसीम भाई से मैंने रिक्वेस्ट किया, नसीम भाई जरा रुकिए क्योंकि हमारे थोड़ी नसीम भाई आते हैं तो वो बोलते हैं कि चला उसका पूरा मैं बर्दाश्त करना पड़ता है, लेकिन किसी का तो रहना नहीं ना. ये माननीय प्रदेश अध्यक्ष चिंता के इमरान भाई साहब से रिपोर्ट के ऊपर किस प्रकार का आभार प्रदेश के साथ ही राष्ट्रीय गीत होगी. आभार प्रदेश के बाद राष्ट्रीय गीत होगी. राष्ट्रीय गीत के बाद प्रोग्राम समाप्त होगा. मेरा नाम सुनीता सिंह. आज मुझे नारी गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया तो मुझे बहुत अच्छा लगा. कभी भी अगर सोचा जाए तो नारी मर्द के बिना आगे नहीं बढ़ सकती और मर्द नारी के बिना आगे नहीं बढ़ सकता. लेकिन नाम रख दिया जाता है जब पुरस्कार देते हैं तो नारी गौरव है तो मर्द गौरव भी शायद होगा. आप लोगों को हंसी आएगी, मैं ऐसा बोलूँगी. लेकिन जो भी है सच्चाई यही है कि मर्द और नारी दोनों एक ही गाड़ी के दो पहिए हैं. जिसके बिना एक पहिया अगर टूट जाता है तो गाड़ी आगे नहीं चल सकती. तो कहीं ना कहीं जब मैं बॉम्बे में आई थी तो मुझे कहीं ना कहीं जो भी सपोर्ट मिला वहाँ मर्द का मिला, चाहे वो डायरेक्टर हो, चाहे वो एक चाय वाला हो, या मुझे कहीं रास्ता बताने वाला जो भी मिला, तो कहीं ना कहीं मर्द का उसमें हाथ था. तो मैं कहना चाहूँगी कि हम सब लोग एक दूसरे के सपोर्ट से ही हम सब लोग आगे बढ़ते हैं. और ये जो इन्होंने सम्मान किया उनका, एक एकता सेवी संस्था का मैं आदर करती हूँ, क्योंकि जो पुरस्कार देना, जो उन्होंने सबका सम्मान किया है, ये बहुत बड़ी बात है. और हर कोई इस चीज़ पर ध्यान नहीं देता. और अजमत जी को मैं, हम लोग एक शूटिंग के लिए परभणी में गए थे. आज जो 20 नवंबर को रिलीज हुई थी जिसमें मैंने सुदेश बेरी के अपोजिट काम किया था. दूसरी फिल्म मेरी सौतन जो भोजपुरी थी जिसमें मैंने रूफी पेंटल की वाइफ का करेक्टर किया था. उसके बावजूद मैंने एक हॉलीवुड की फिल्म प्रे फॉर रेन जो अभी जिसकी शूटिंग चालू है, और ये फिल्म अभी लास्ट टू डेज की शूटिंग बाकी है जो कंप्लीट होने वाली है. इसके अलावा मैंने दो इंटरनेशनल फेस्टिवल की फिल्में की हैं, आसिम आलूवालिया की जिसमें मिस लवली नाम है,